हेलो फ्रेंड्स, अंडा तो आप सबको पसंद ही होगा और अंडा एक ऐसा चीज़ है जो किचन में हमेशा अवेलेबल रहता ही है। तो चलिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा मसाला, जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज का रेसिपी शुरू करते हैं। अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है उबले हुए अंडे, मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। फिर हम लेंगे साबुत जीरा और धनिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और नमक, टमाटर और प्याज का पेस्ट, सरसों का तेल, जीरा पाउडर, क्रश किया हुआ नारियल, लाल मिर्च पाउडर, उबले हुए आलू, मटर और ये कैप्सिकम। इसे ऐसे ही शेप में काटें। यहाँ मैंने 2 टमाटर और 2 प्याज लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। ये चारों उबले हुए अंडों को ऐसे काट लें, इससे एक फ्राई करते टाइम तेल अंडा के अंदर जाएगा, जिससे एक अच्छा टेस्ट आएगा और अंडा फटेगा भी नहीं। अब हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर हम डालेंगे हल्दी और नमक। अब इसे मिक्स कर ले। यहाँ चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, मैं हाथों से मिक्स कर लूँगी। इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर ले। देखिए, सारा मसाला चारों अंडों में अच्छे से लग चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ मैंने एक कढ़ाही गरम किया है। कढ़ाही का गरम होते ही तेल डाल देंगे। तेल का गरम होना ज़रूरी है ताकि एक अच्छे से फ्राई हो। तेल गरम हो चुका है, मैंने यहाँ अंडा डाल दिया है। अंडे को अच्छे से तलना ज़रूरी है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे, ऐसे 2 मिनट के लिए बीच बीच में फ्राई करते रहे मीडियम फ्लेम में। और जैसे ही अंडों का कलर गोल्डन हो जाए, हम फ्राइड अंडों को निकाल लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में साबुत जीरा और धनिया डाल देंगे। जैसे ही ये मसाला थोड़ा पक जाए, हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल लेंगे। ध्यान से डालें, इसे मिला दें अच्छे से। इसे हम पकने देंगे 5 मिनट के लिए। इसे मीडियम फ्लेम में रखकर ढक्कन लगा देंगे। जैसे ये पके, हम एक अलग पैन में तेल गरम करके बॉयल आलू को फ्राई कर लेंगे। तेल गरम होते ही आलू डाल दें। ध्यान से डालें, आलू को एक बार ऐसे फ्राई कर दे। अब हम हल्दी और नमक डालेंगे। अब इसे आलू के साथ अच्छे से मिला दे। इसे थोड़ा डीप फ्राई होने दे, इससे अंडा मसाला में मसाला का टेस्ट अच्छा आएगा। हम इसे मीडियम फ्लेम में 4 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। और जैसे ही 4 मिनट होते ही, मतलब 4 मिनट होते ही हम आलू को निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ मसाला हमने चेक किया है और सारे मसाले, एक बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है सारे मसालों से। अब हम डालेंगे हल्दी, नमक। ध्यान रखें कि हमने आलू में भी नमक डाला है। फिर रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और 2 चम्मच क्रश्ड नारियल।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर दे और ऐसे ही 2 मिनट के लिए फ्राई करते रहे। अब हम डालेंगे ग्रीन वेजेस, जिसमें मैंने लिया है मटर और कैप्सिकम। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अरे कढ़ाई को मुझे पकड़ के रखना होगा। हाँ अब ठीक है। सारे मसाले अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। मैंने यहाँ ढक दिया है। अब देखिए मसाला पक ही गया है, मटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा फ्राई करते ही फ्राइड किया हुआ आलू डाल देंगे। देखिए मैंने आलू को निकाल लिया था फ्राई करके, अब इसे मिक्स कर दे अच्छे से। फिर 1 मिनट के बाद ही हम गरम पानी डाल देंगे। इसे बॉईल होने दे 2-3 मिनट तक। फिर हम चारों फ्राइड किए हुए अंडे को डाल देंगे। यहाँ मैंने अंडों को काफ़ी अच्छे से फ्राई किया है। एक बार इसे मिक्स करके हम और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे और गैस मीडियम फ्लेम में कर देंगे। ढक्कन हटा दे और देखे सब्जी का एक अलग ही कलर आया है। दिखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। इसे थोड़ा सा मिलाने के बाद हम डालेंगे गरम मसाला। इसे मिला दे। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और गैस ऑफ बंद कर देंगे। देखिए ग्रेवी का थिकनेस बहुत ही अच्छा आया है। अब हम सर्व करने के लिए एक बाउल लेंगे। इसे ऐसे ही सर्व कर दें। अब इस अंडा मसाला को आप प्लेन राइस, पराठा, रोटी, पुलाव, बिरयानी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।